छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे बेमित्रा जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने खान खमरिया क्षेत्र के नवागांव कला में नवीन सेवा सहकारी समिति धान खरीदी केंद्र का लोकार्पण किया और किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे और बेमित्रा विधायक आशीष छाबड़ा भी मौजूद रहे। इस दौरान कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। प्रदेश सरकार के 1,00,000 करोड़ के बजट में 23,000 करोड़ रुपए धान खरीदी में किसानों को दिए जाएंगे। सरकार की महत्वाकांक्षी गौधन न्याय योजना के तहत 60 करोड़ रुपए गोपालकों के खाते में डाले गए हैं और गरीबों के लिए न्याय योजना और गोधन न्याय योजना का प्रदेश में अच्छा संचालन हो रहा है। जिले में बारदाने की कमी की बात पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से 4,00,000 गौठान बारदाना खरीदने की बात कही गई थी, लेकिन उनके असहयोग के चलते हम राइस मिलर और पीडीएस के दुकानों से पुराने बारदाने खरीद रहे हैं। जैसे भी वो किसानों का धान लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार किसानों के पक्ष में काम कर रही है। सौभाग्य से 1,00,000 करोड़ के बजट में लगभग 23,000 करोड़ रुपया हम धान खरीदी में किसानों को देने जा रहे हैं। आज तारीख तक लगभग जो गोधन न्याय योजना है उसमें भी हमने 60 करोड़ रुपया गोपालकों के खाते में हस्तांतरण किए हुए हैं।